نارُک ذِمہٕ دار چھِ أسۍ ٹھہراوان آر اینٛڈ بی. یِمو نہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ شیٖن تُل کِہیٖنۍ. فایر سٔروِس وٲلۍ حظ وَژے وقتہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ وَژے تِم, مگر تِمن ہیٚچ نہٕ گٲڑۍ یور حظ یِتھ کینٛہہ. مگر شرم کی بات یہ ہے کہِ برف نہیں ہٹایی گٔیے اور ان کا مکان آگ کی زد میں آ کر جل گیا. ریٖزن تھا کہِ یہاں پے فایر اینٛڈ ایمرجنسی سٔروِس نہیں پہنچی. کانٛہہ چیٖز مہ درٛاو امہِ مکانہٕ منٛز کِہیٖنۍ, تاکہِ یُس یِمن پَلو لٲگِتھ ٲسۍ بوٗٹھ تہِ بَچو نہٕ لاسٹَس کِہیٖنۍ. اَڑیو شُریو ٲسۍ پَنٕنۍ مطلب یَزار نٮ۪بر کوٚڑمُت یا پھٮ۪رن نٮ۪بر کوٚڑمُت یا بٔنیان نٮ۪بر کٔڑمٕژ, سۄ تہِ ٲس تٔتھۍ نارَس منٛز. جِتنے بھی سپنے تھے ان کے سارے جل چُکے, ان بچو کے جو بھی سپنے تھے سارے جل چُکے, ہمارے ان ماؤں اور بہنوں کے جو بھی سپنے تھے سارے جل چُکے, بشیر احمد کے سارے سپنے جل چُکے. اس وقت بشیر احمد در در کی ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہے. یِم لوکلٹی کی طرفہٕ ہمسایَن طرفہٕ پنٛنہِ طرفہٕ گُزٲرِش کران کہِ یہِ چھُ آسان اِمتِحان ہر کٲنٛسہِ. چھا ٹھیٖک, ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن سوٗز تٔمِس چھُ اِمتِحان, ییٚمِس سوٗزُن تٔمِس نیُن واپَس تٔمِس چھُ اِمتِحان. بہرحال امہِ موٗجوٗب چھُ عوامَس یہِ گُزٲرِش ضروٗری کہِ تۄہہِ آو یہِ اللہ تعالیٰ ہَس طرفہٕ سوال کَرنہٕ, اللہ تعالیٰ طرفہٕ گوٚو تۄہہِ یہِ آلو کہِ فلٲنۍ جایہِ گوٚو یہِ نۄقصان, فلٲنۍ جایہِ ووت یہِ نۄقصان, تہٕ اَمہِ خٲطرٕ تۄہہِ کھڑا روزُن. تہٕ کٔمِس کیٛاہ آسہِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ طاقت دیُتمُت, بھرپوٗر کَرِ سُہ یَتھ غریٖب خاندانَس سۭتۍ مَدد بھرپوٗر. اگر تُہۍ مہربٲنی کٔر کہِ ہماری گُزٲرِش رہے گی ہاتھ جوڑ کے اس فیملی کی مدد کرے تاکہ یہ اپنی زندگی کا بسر کر سکے. मैं आपके सामने आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ, गोजथज रयार एरिया की ये स्टोरी है. बटी मोहल्ला, ज़िला बड़गाम, तहसील खान साहब. कल रात को अचानक आग की वारदात पेश आती है. गोजथजी बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ के घर में दो भाई है, एक ही मकान में दो फैमिलियाँ रहती थी. मगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मकान की क्या हालत हुई है आग से. आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया. हमने विजुअल्स में भी देखा, हमने खुद अंदर जाके मुआयना किया मकान का कि कपड़े किताबें जितना भी इनके घर में चावल जो भी था सब राख हो के. बता दूं कि ज़िला बड़गाम की यह बात है, खान साहब तहसील गोजथज रयार बट्टी मोहल्ला. मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है. ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली किस तरह से है कि अगर यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस पहुँच जाती तो इस मकान को तकरीबन 50% बचा लेते वो. मगर हमारा आर एंड बी डिपार्टमेंट हर एक जगह पे, कल भी उन्होंने एक बाइट दी थी अपने ऑफिस में कि हमने सड़कों से बर्फ़ हटाई, मगर हमने खुद खान साहब से लेकर रयार तक देखा कि सड़क पे कितनी बर्फ़ है. बावजूद यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस पहुँच जाती, मगर काज क्या रहा, यहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ है, सड़कों से अच्छी तरह से बर्फ़ नहीं हटाई गई. और इसके नतीजे में ये दो भाई बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ इस जद में आए. मकान खाकिस्तर हो चुका, मकान जो है पूरा जल चुका, जितने भी सपने थे इनके सारे जल चुके, इन बच्चों के जो भी सपने थे सारे जल चुके, हमारे इन माओं और बहनों के जो भी सपने थे सारे जल चुके, बशीर अहमद के सारे सपने जल चुके. इस वक्त बशीर अहमद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है. एक्जन साहब उनका कहना है कि मैंने सड़कों से बर्फ़ हटाई, मगर शर्म की बात यह है कि बर्फ़ नहीं हटाई गई और इनका मकान आग की जद में आकर जल गया. रीज़न था कि यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस नहीं पहुँची. यह एक शर्म की बात है और हमारा इंतजामिया कह रहा है कि हम लोगों के साथ हैं. बात करेंगे यहाँ पर बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ के घर में जो है, घर वालों से बात करेंगे, देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ इनका, क्या क्या नुकसान हुआ. जब हमने देखा घर के अंदर हम गए तो बिल्कुल राख है और राख के सिवा कुछ नहीं मिला.
बिस्तर ना मिला, राशन ना मिला, किताबें ना मिली, कोई राशन नहीं मिला, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है इस वक्त इनके घर में। मुसीबत ज़्यादा है ये, और हमारी इंतज़ामिया जो है खामोश है। अभी तक कोई टेंट इनको नहीं मिला। किरामद और मोहम्मद अशरफ के घर में आग लगी तो कम अज़ कम एक टेंट, थोड़ा सा बिस्तर, कुछ बर्तन, कुछ किलो चावल के देते तो यहाँ पे इनका गुजारा होता दो दिन तीन दिन जब तक और इंतजाम ये करते। मगर इस वक्त ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। आप मेरे विजुअल्स में देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आंखों में आंसू, घर के बिना वीरानी में ये घर जो तब्दील हुआ है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। इस करो यमन सीतन कथ, मजीद हम बात करेंगे इनके साथ, कश्मीरी में बात करेंगे। तुम वन तक क्या नाव जरीना कित कन लोग नारज अस लंग पाई वैसे शिंगित रिपोर्ट नेक आख बजे आख बजे रात आख बजे यू आर आया फायर सर्विस टाइम विजन ना ना कीन कहीं सुबह पेट आवा तहसीलदार साहब या बाकी एसडीएम साहब यू आर आवा का या पता आम तो उसका आम तो उस आ तो ही जितनो के राशन खतर या कमल या बिस्तर कमल देत में कमल तो क्या शुरू यासान वो वनु इंतजामियास के है क्या ऐसा अच्छा नहीं कि ये टोटली बेन खोतर की ना खेन खोतर की टोटली ये तो जो सॉरी दजमत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये माँ जो हमारी हमारे सामने एक छोटा सा मासूम बच्चा इसके गोद में है, आंखों में आंसू। आप देख सकते हैं क्या हालत होगी इस घर की। आप ये देख सकते हैं कि इस घर की क्या हालत है, इन बच्चों की क्या हालत है। माइनस टेम्परेचर में हमारे बच्चे, ये जो बच्चे हैं माइनस टेम्परेचर में आज बिना घर के रहे, घर के बगैर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटू सवाल रुकन क्या दलील गई ये तज लोग ना आ रहा था तो यूर आना कहीं ना आना से सुबह बैठ आए तो तह कम उन्होंने ना आ लोग आशोच पाने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो ये बच्चे हैं मासूम बच्चे, अल्लाह बचाए ऐसी वारदात किसी पे ना आए, मगर क्या करें हमारी जो जिला इंतजामिया है वो टस से मस नहीं हो रही है। सड़कों से अगर बर्फ हटाई गई होती तो ये वारदात पेश नहीं आती। मैं फिर से कहता हूँ आरएनबी एक्जन जो यहाँ पे है बड़गाम के, उसको बुरा लगे तो लगे, मगर मैं ये बात कहता हूँ कि अगर सड़कों से बर्फ हटाई गई होती यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस जो खान साहब में है वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचती तो ये नुकसान नहीं होता। मजीद करेंगे इनसे बात। यह बजे पंद मिनट गई नंद्र अचानक हुशार अच्छे यह सड़े बसान तो अच्छे नार जबरदस्त आयस मज नार तम सा छत दजान ये योत वो सो नारस फुलमुत सरस अे के पी ये थानस तर कॉल तो तुम हेकन कल वित कह फायर सर्विस कर कॉल नारक जिम्मेदार ठहरा आर एंड बी यमों सड़क पे शीन तुल कह फायर सर्विस वाल वचे वक्त टाइमस पे वचे तम मगर तिम हे गाड़ योर कह ते सठा कोशिश तो मगर अच्छे अत मज कबू पे सुबह पे आवा इंतजामिया मोर कह इंतजाम आव योर मगर सू गो नाइनस बराबर अके हथ रोप कमल तहसीलदार सोबन ओर कमल आई ओर हथ रोप बहुस लकुट अख पंच बि हक रोप सा मदद कर मगर बहुस तहसीलदार खुद यह शर्म कत कर कि तम अन ओर हतन कल कमल ये बे पंचान रोप चपी तम सत हे ये फैमिली कह सोच वत अम खुश बस अम अकाउंट नंबर जरिए लुकन गुजारिश कर कि यानी कि यह खत्म गुमत यानी ये सतन गोडे बह वो योद यह हत पर्सेंट ये मान काकुद अख तक नबर कड़ित कहें तमाम लास गुमत हथ पर्सेंट खत्म गुमत कि सब पे सहकमे माल मजन तन अ पोसे तम यूत चलो बैतुल अस कड़ बच शंग तम थर्माकट लग बूट रोस्त अस अंद हेत नंग तम सा बच बचे हे बच लेडीज अहद मर्द श्रीनगर में सठा गरीब खानदान सलुक रखा हम श्रीनगर आलरेडी यम लेडीज हेकन ये कर फोन वोन टोटली कूत कल ये नुकसान सपद। नाजरीन ये आपने खुद सुना कि यहाँ का एक लोकल है, यहाँ का एक पड़ोसी है कि किस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं, जो भी कपड़े इनके कल सोए थे सोने के बाद जो भी कपड़े इन्होंने निकाले थे वो भी जल गए। ये भी एक
रोना आता है इंसान को, इंसान आखिर करे तो करे क्या। मैं यहाँ पर एक और लोकल से बात करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो ब्रो कौन, तुम तो पन क्या चाहिए ना बस मैं दफा रखूँ बट आ कित कहीं लोग ना नार रो बेहतर जन कित पढ़ लो करीब जो बजे पे ढाई बजे तक लोगमत नार अल्लाह ताला बेहतर जानन ये पावर के जरिए लोगा ये बदल कुछ जरिए लोगा क्योंकि इम दशव शहर इम मजूरी करान गरीब खानदान से ताल्लुक थवान इंतहाई गरीब से इम तो बच्चे शुंगित खानदारी मौज शुंगित और यम अम सा हुशार गुत यम सा फर्श हजन पेट पे इन वन तल सद मुशार गए और वाकई कत पोज है इस हकीकत है तुम वो पान तुम पान तस चक कह चीज मा द्रा अम मकान मज कह ताकि पलो लगित बूट त बचो ना लास्टस कहें अड़ो शुरो मतलब यजार नबर कोड़मुत या फेरन नबर कोड़मुत या बनियान नबर कड़म सो तथ नारस मज दजम मतलब टोटल इन कहें टोटल बचो इन मतलब यपर क्या दलील मुलाजिम तुम गरस मज कहें शुक्र तिंद शुक्रिया कर तम वो टाइम पे मगर आर एंड बी युक मसल कि शीन उस तमो तुलमुत अगर तिम सवाल करो तुलवा शीन तुम वनो तुम अस तुल शीन मगर शीन कि पट तुल तमो तम और तम डोजर खालान तम सोद नेरान ब्रो मतलब रुकान वुकान तम मतलब अत मा थो कुछ सोद मा तुलो शीन हो सकता है कह मा गए बेमार कह दलील मा गए सो लापरवे ज्यादा पहमत कर मजाक बनान मजाक बनान अगर शीन सड़क तुलो यह तुलो सोद सड़क तो वो वे पान तड़क इंसान तम पकित हेकान कहें पेट पे तुलो मगर द्राये अगर तमो शीन आ बराबर तुलमुत और नतीज ये कि हो सकता है रोब चु बेहतर जानान हेको ना कहें अल्लाह ताला सोरे कह जानान कि हे मा बचित 50% ताय या 20% या 30% मा हे बचित लेकिन वजह क्यों कि आर एंड बी यमो तुल शीन मौक पे बराबर कहें वह क्या दलील वह वजह यह अल्लाह ताला कर इंतहाई गरीब अवामस रोज यह गुजारिश कि शुक्र खुदा करीमस कुन कश्मीर अवाम प्रेथ विज ब्रो कुन कश्मीर अवाम शुक्र गुजार उस मसल ग कश्मीर जवान खड़ा कश्मीर अवाम खड़ा सान माज सान मल सान बी सारी खड़ा मदद करने खातर चूंकि ये वाकई बहुत मतलब ये हमसा इन रोजान वाकई से गरीब खानदान से ताल्लुक थाना बेच बेशक ये मजूरी करान यानी अत मन कहीं अल्लाह ताला बचा कह शक कह शुबा चुन और अवाम ये में लोकलिटी की तरफ हमसाय तरफ पन्ने तरफ गुजारिश करान कि यह इम्तिहान हर कंसि ठीक ये अल्लाह ताला सोज तमिस इम्तिहान ये सोजन तमिस नियुन वापस तमिस इम्तिहान बहरहाल अमे मूजूब अवामस यह गुजारिश जरूरी कि तह आव ये अल्लाह ताला तरफ सवाल कर अल्लाह ताला तरफ गो तह आलो कि फलन जाए गो नुकसान फलन जाए वो नुकसान तो अम खुद खड़ा रोजन तो कमिस क्या अल्लाह ताला ये ताकत दियुतमुत भरपूर कर सू गरीब खानदान सत मदद भरपूर अगर तुम वो वाकई तुम वो फैमिली यह कत्या मासूम बच्चे यह मौज अस मतलब हार्ट पेशेंट मौज इंतहाई बेमार दोह रात बेमार आसान बच्चे अमिस बेमार आसान मतलब तुम वो पान तर तुम अतन मोनि करू इन कह चीज मा अपोज अल्लाह ताला बचा यानी कूत प्रॉब्लम है इसलिए अवामस यह गुजारिश कि अल्लाह ताला इंसान बनोमुत अल्लाह ताला इंसान बनोमुत अमे मूजूब कि सू बेकिस बकार चूंकि अवामस यह गुजारिश तम कर भरपूर तावन पन्नी बरदरी मं तो पेठ रोजो कर तो अवाम त रोज अत मदद कर तो अल्लाह ताला कर तिमन आबाद इंशाअल्लाह रहमान। नाजरीन आप देख रहे थे कि किस तरह से इनका कहना है कि किस तरह से आग लगी और इन्होंने भी इल्ज़ाम जो लगाया आर एंड बी महकमे पर। अब इन दो फैमिलियों ने एक अकाउंट क्रिएट किया है, बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ ने एक अकाउंट क्रिएट किया है जरीना बानो के नाम पे, जरीना बेगम के नाम पे। मैं आपको अकाउंट नंबर बताता हूँ 02750405000381। जरीना बेगम के नाम पे है ये, ब्रांच है खान साहब और मैं आपको जेके आईएफसी कोड भी बता रहा हूँ इसका, JAKA0KSAHIB जम्मू कश्मीर ब्रैक खान साहब में ये जो अकाउंट है। अगर किसी भी इंसान को मदद करनी चाहे, अगर कोई चाहे तो इन गरीब फैमिली को मदद करे, इस बूढ़ी माँ को मदद करे। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये मेरी माँ जो यहाँ पे बैठी है रोना आ रहा है हमें भी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, दिल करता है कि मर जाऊँ यहाँ पे ही मगर क्या करूँ।
छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा बुजुर्ग यहाँ पे है। चलो अल्लाह ताला दी इंशाल्लाह सब्र, कहीं चुन परवाह, ये आसान इम्तिहान है, क्या करो। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनकी हालात, मेहरबानी करके हमारी गुजारिश रहेगी हाथ जोड़ के इस फैमिली की मदद करें ताकि ये अपनी जिंदगी का बसर कर सके। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।